बोले माता पिता गुरुदेव की। माता पिता परमात्मा और पति सेवा गुरु ज्ञान, इनसे हिल मिल चालियो बिरवो नर संत सुजान। पहले तो देखो सभी कलाकारों से और आए हुए सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अपने माता पिता के लिए ताली जरूर बजाएं। माँ का अंतिम समय चल रहा है, यम के दूत खड़े हैं, उस समय भी उस माँ की ममता मान नहीं रही है। यमराज जी दो चार मिनट को और मौका दे दो ताकि मैं हमारे परिवार वालों बात कर लूं। यमराज जी बोले डोगरी थरू टेम पूरो। लेकिन जब उस माँ ने तड़प के कहा, आंखों में आंसू भर के कहा, तो यमराज का भी दिल पिघल गया। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी समेट दे रखा। उस समय वो किस प्रकार अपने परिवार वालों से मिलती है और किस प्रकार उनको आशीर्वाद देती है, सुनेगा बड़ा प्यारा बना। ओ संतो सुरगासू आयो जी संदेशी, अरे बुलाव आयो राम को। संतो सुरगासू संतो सुरगासू आयो जी संदेशी, बुलाव आयो की उम्र तो नहीं, लेकिन भगवान को बुलाओ आएगी जानो पड़सी। एक अरदास है प्रेम से रीजो लड़जो मती, और जान को मिले भी ने बड़ा प्रेम से खाली जो टाइम पास कर ली। गांव में या नहीं हो कभी डोकरी का बेटा लड़ रहा है, यो ही आशीर्वाद है। कहने लगी माँ हरी अलमारी में घेना धरिया, पूरी जिंदगी की जो भी कमाई है
आलमारी में गांठ रखी है, ले लीजिए और आपस में बांट लीजिए। छोटा ने छोटा का हिसाब और बड़ा ने बड़ा का हिसाब हो, फर्ज निभाणो है क्यों तो इतनी के। और जो ही रुकी तो महाराज यमराज जी बोल बढ़िया चाल डोकरी क्यों, बोले नहीं महाराज दूजो मिनट प्रभु माने दो को करूं बेटी शुगा, दूजो मिनट प्रभु माने दो को करूं बेटी शुगा। माँ माँ अपनी दो तीन बेटे मैंने बुलाई महाराज, माता पे हाथ मिलो प्रेम रासू ढलक गया, बेटा भी बिलक बिलक कर रोने लगी है। माँ तू चली जासी पीर में आने को मनी नहीं कर सकी, क्योंकि विद्वानों ने कहा कि सासू बिना नहीं सासरो और माँ बिना नहीं पीर। जी पीर में माँ नहीं है तो बेटी को मन नहीं किया करतो कि मैं जाऊं मरे पीर में। बिंटेम माँ बोली बेटा चिंता मत कर जो आप हरि दूजो मिनट प्रभु माने दो तो करूं बेटी सुबा। पास कर ले कदे कोई यान की चीज नहीं मांगी जो परिवार नहीं ला सके। एक ही किणो है मैं पूरी जिंदगी घर ने बांध रखी, हाथ जोड़ रहा अपना आई कह रही हूं कि घर ने बिखरवा मत, जान ओ घर चलता है बिन बिखरवा मत दीजो, प्रेम से रीजो एक दूसरा को आदर कर जो और ई प्रकार घर ने चला जो कि गांव में था कि बड़ाई हो। इतनी बोलो राखिया मां आंसू भर बंद कर लिया क्या कहने लागी मां हरी मैं तो घर ने बांध के राख्यो, मैं तो घर ने बांध के राख्यो अब तो सो पाछा थाके हाथी बुलावो आयो राम को सबसे ज्यादा अगर माँ की आत्मा अटके तो वे पोता पोतिया अटके, सारा पोता पोतिया ने बुलाया
पोता पोती बोलिया दादी दादी तू जा रही है अबे कुण तो टेम हो टेम एक एक दो दो रुपया देर मन बेला सी कुण लाड लड़ा सी क्यों माँ भी बोली कि बेटा आई मारे मन में टीस है कि मैं जा रही हूँ चौथो मिनट प्रभु माने दो तो करूं पोता शोभा से मन बेलाया अब आखिरी मिनट बच गया। यमराज ने कहा डोगरी बहुत समय हो गया मेरे पास इतना नहीं है मेरे दूसरा भी ग्राहक उठाना है मांदोला में तीन चार तैयार ही पड़े वाने भी उठानो डोगरी बंटे महाराज आखिरी समय में देखो किस प्रकार विलाप है अपना पति देव ने बुलाया क्योंकि बहुत दुख होता है जब पति से पहले पत्नी चली जाती है इस संसार का सबसे बेमाता का उल्टा लेख इसी को माना जाता है कि हे भगवान पति से पहले पत्नी को कभी मत उठाना क्योंकि माँ माँ एक ऐसी ताकत है जो पति के बाद भी उस घर को संभाल सकती है लेकिन पिता अधूरा हो जाता है पिता नहीं संभाल सकता क्योंकि बेटों से बेटियों से पोतों से पोतियों से एक माँ की आत्मा ही है जो घुल मिल सकती है पिता नहीं घुल मिल सकता वो केवल कोड़ में बैठ करके अपना समय बिता सकते हैं पति देव ने बुलाया चरण छुया और बोली हे पति देव मैं जानती हूं अपनो घर गरीब है इन वास्ते पूरी जिंदगी में कोई मांग नहीं रहा कुछ भी नहीं मांग लेकिन आज मांग रही आज मेरी मांग पूरी करो केने लागी पांचवो मिनट प्रभु माने दो तो करूं पति सुना मंदिर की है तो
सबसे प्यारी मोर, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूर। और मेरा निवेदन है कि यहाँ जो बेटे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप में भगवान है, तो एक बार ताली बजाएं। जैसा मानते हैं कि मेरे माँ बाप है वो मेरे भगवान है। देखिए भगवान ने माँ बाप इसलिए बनाए थे, एक मैं कार्यक्रम में गया था वहां बोर्ड थोड़े पोस्टर पे लिखा था कि नहीं बोलने वाले भगवान हर मंदिर में है, लेकिन बोलने वाले भगवान हर घर घर में। नहीं बोलने वाले तो हर मंदिर में विराजमान है, लेकिन बोलने वाले भगवान अगर कहीं है तो आपके घर घर में विराजमान है, आप उनसे बात करें। तो इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। माँ बाप केवल भाव के भूखे हैं, ममता के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। अब आजकल गए कि सबसे ज्यादा बींदने पर दोष लाग रहे हो ये जमाना वाला, बींदनी आई और घर बिगड़ी। जबकि दुनिया बसाने के लिए ब्याह किया जाता है, दुनिया बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा होता है। आजकल इज्जत भी बहुत बढ़िया कर रही है, सासुओं की बहुत शानदार इज्जत करती है। चौमासा का दिन एक पड़ोसन के माचिस बीज गई, माचिस बीज गई महाराज, उपास सोची भाई पड़ोसिया का लिया चुल्लो तो बाल लो, पड़ोसिया का चले गई उठे जार बोले गाली महाराज चुल्लो बाल बाल माचिस कौन है तारी माचिस दे तो बीज गई तो मारी बीज गई, लेकिन एक काम कर तू मारी सासू ले जा या जड़े जाओ ना जड़े लाई लगाओ जो बस या जटे जाओ जटे लाई लगाओ जी ने लाई लगा मशीन ही मान ले तू इन्हें ले जा। तू तो चूल्हा की बात कर रही जो पूरा घर ने साफ करवा सके थे। हम बोलो इतनी जोरदार इज्जत दे रही है माया, ऐसा नहीं करना है। भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूर, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों प्रेम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। विराजमान इतना भक्तों में शायद कोई कोई आन को सपूतोलॉजी का बटवा में माँ बाप की फोटो होगी, शायद बटवो तो छोड़ो आजकल मोबाइल में ही मिले। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कोई ओलोजी का मोबाइल फोन के महीने माँ बाप की तस्वीर होगी, आजकल तस्वीर कुड़की लागे बेटा फ्रंट वॉलपेपर पर बींदनी की तस्वीर लगाओ लो और फिर नीचे या और लिख लो वाइफ इज माय लाइफ। अशोक का पासबुक ही फेल होगी भाई, ऑल इन वन सब कुछ यही है। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, ताली बजा दो माँ बाप के लिए। क्या बात है, गुरुदेव।